लेकिन रात में हम लोग है ना रूफटॉप पार्टी भी करने वाले हैं। तुम वीडियो अभी लाइक करो सबसे पहले और वीडियो एंजॉय करो, ओके? और वैसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? देखो मैं ना पहले ही रेडी होके बैठी हूँ, मैंने ना ये वाला वन पीस पहना है, दिख रहा है आप सबको? और हाँ यार गर्ल्स गैंग की लीडर मैं हूँ, तो सबसे पहले रेडी होने का काम मेरा बनता है ना, तो मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। अभी मैं ना सबको फोन करके बोलती हूँ कि आज हमें बाहर जाना है, और बाहर कहाँ जाएंगे क्या करेंगे ये भी मैं आप सबको बताती हूँ। तो हमारी मम्मी द लीडर आ गई है, नीचे झुको मम्मी, हाय। मैं सोच रही हूँ कि आज हमें ना गर्ल्स डे आउट करें, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? बाहर घूमना चाहिए, फिर मस्ती करनी चाहिए घर पे आके। हाँ ना, तो घर पे आके हम लोग रूफटॉप पार्टी करने वाले, मूवी चले क्या? वैसे भी अभी एनिमल मूवी आई है और भी बहुत सारी मूवी आई है, कौन सी मूवी चल रहे हैं आप देखो? एनिमल चलते, बहुत अच्छी है, ऐसे बोल रहे सब लोग। हाँ रिव्यू मैंने भी देखी, बहुत अच्छी मूवी बोल रहे, तो हम लोग एनिमल मूवी चले फिर। चलो अभी पापा को बोलते हैं ना कि मूवी की टिकट निकालना है। पापा मेरे को मूवी की टिकट निकाल के दो, आज हम सारी गर्ल्स मूवी जाने वाली है। तो जाओ ना, मैं क्या थोड़ी बोल रहा। हाँ पापा चलो निकालो टिकट, और आप अपना भी टिकट निकाल लो। हाँ करो पापा टिकट बुक, 5 टिकट बुक कर रहे हैं पापा। फूल हो गया क्या? हाँ इसीलिए मैं बोल रही थी जल्दी करो, एकदम स्लो मोशन में काम होता है पापा का। अरे आगे के दो लाइन में ही सीट्स अवेलेबल है। नहीं आगे के दो लाइन में नहीं चाहिए, पीछे चाहिए थोड़ा सा। देख सारे बुक हो गए टिकट। एक प्रॉब्लम है। क्या? मल्टीप्लेक्स में ना टिकट अवेलेबल नहीं, बहुत सामने है। तो और सिंगल स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो सिंगल स्क्रीन पे सुनाई देगा क्या? सब सिट्टी विट्टी चिल्ला पुकारा, बट मजा आएगा। पापा करो बुक। पक्का? पक्का। देखो ना। हाँ ना, तो करो ना बुक, बहुत मजा आता है यार वहाँ पे, सब लोग ऐसे सिट्टी विट्टी बजाते हैं ना, तो ऐसे रियल मूवी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे फील आता है वहाँ पे। देखो मम्मी है ना यहाँ पे रेडी हो रही है, मैं मम्मी आपको ये बता रही हूँ कि पापा ने ना टिकट बुक कर दी है मूवी के, बट है ना मल्टीप्लेक्स में नहीं की है, सिंगल स्क्रीन थिएटर में की है। फिर अभी तो मल्टीप्लेक्स में पूरा थिएटर फुल था पता है मम्मी आपको, तो पापा ने ना सिंगल स्क्रीन में कर दिया, वहाँ पे बड़ा मजा आएगा, सब चिल्लाएंगे, आवाज आएगी, सिट्टी बजाएंगे, मजा आएगा ना। ठीक है चलेगा। चल तो मैंने ना अभी तेजू मासी को कॉल किया, उनको बता देते ना हमको मूवी जाना है। मासी बोलो। हाँ चलो ना रेडी हो जाओ, अपने को मूवी जाना है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ जल्दी रेडी हो ना। आधे कौन घंटे में रेडी हो? देखो लड़कियों को आधा घंटा लगता है रेडी होने में, 10 मिनट में रेड़ी हो जाती हूँ। अरे बाप रे, नाइट ड्रेस पहन के आओ। आ जाओ चलता है। रखो। तो मैंने ना अभी सोनल मासी को कॉल लगाया, उसको भी बता देते है ना। हेलो। हाँ सोनल मासी मेरी बात सुनना। बोलना। हाँ अभी रेडी हो जा, अपने को मूवी जाना है अभी। हाँ अभी रेडी हो जा। चलो सोनल मासी को बता दिया है मैंने, अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं। फिर सब तो रेडी हो गए, लेकिन पापा अभी तक रेडी क्यों नहीं हो रहे? पापा, ओ पापा अभी तक न्यूज देख रहे, पता नहीं क्या देख रहे हैं न्यूज में। रेडी नहीं होना आपको? क्या रेडी नहीं होना आपको मूवी के लिए? हाँ मूवी के लिए सब रेडी हो गए। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके आया वो मूवी। क्या? तो आप हमें क्यों नहीं लेके गए अपने साथ पापा? फर्स्ट डे फर्स्ट शो चले गया मैं। तो आप हमें बोल देते तो हम भी आ जाते ना उसी दिन। जान दो, नहीं बोला मैं चले गया, मैं फट कर गया। तो अभी आप नहीं आ रहे तो क्या करूँ डबल से मूवी देख के? जाओ तुम। चलो ना डबल, कुछ नहीं मजा आएगा। कुछ नहीं, तुम जाओ, सब गर्ल्स गर्ल्स जाओ, और मामा को लेके जाना सिक्योरिटी के लिए। ठीक है चलेगा। तो पक्का नहीं आ रहे अब? मैं दूसरी मूवी जा रहा हूँ। रुक पापा को मैं अभी देखती। और एनिमल मूवी पापा ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख ली। वो तो मुझे पता है, फिर भी साथ चलना चाहिए था ना अपने। आपको पता था तो बताया क्यों नहीं, उसी दिन जाते थे ना हम। मुझे लगा अच्छी नहीं होगी मूवी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। रुको मैंने पापा को बुलाया, थोड़ा डांट लगाओ पापा को। ठीक है बुला, अभी दिखाती हूं। हमको क्यों नहीं लेके गए मूवी शो को फर्स्ट डे पे? क्या हुआ? अब बोलो ना क्यों नहीं लेके गए, हमको जानना है। मेरे को मारने आ रही है इधर। नहीं आ रही। मैं देख लिया मैं ऑलरेडी, जाओ तुम। आपके बिना क्या मजा आएगा है ना।
तुम सब लड़कियां हैं, देखो मैं तेरे को भी लड़कियों में काउंट कर रहा है, सब तुम लड़कियां हैं। मैं तो सबसे छोटी हूँ। काउंट क्या करेंगे आप? है ना जी, मम्मा सबसे छोटी है। पापा कहाँ गए? गायब हो गए। गायब हो गए पापा। सुन, ये अभी तुम सिंगर्स के लिए थिएटर में जा रहे हैं, ये कपड़े नहीं पहनने का, वन पीस पहन के नहीं आने का, वन पीस पहन के नहीं आने का, टी शर्ट पहन ले, जींस पहन ले, चल निकल, बहस नहीं करने की, आर्गुमेंट करने का नहीं, जाके फटकर कपड़े बदलने के फिर जाने का, मल्टीप्लेक्स में नहीं जा रहे, मॉल में नहीं जा रहे, वन पीस पहन के जा रहे, चल सीधे जा रही। आज हम लोग मूवी देखने सिंगल स्क्रीन थिएटर जा रहे हैं और पापा भी नहीं चल रहे हमारे साथ में, तो मैं एकदम है ना मास्क और कैप वगैरह लगा के जा रही हूँ, अननोन बन के जा रही हूँ ताकि मेरे को कोई ना पहचाने। ये देखो ये लगा लिया मैंने मास्क। अब ठीक है, जा रही हूँ मैं, टाटा। चलो अभी हम लोग निकलते हैं मूवी जाने के लिए और बाकी सारी गर्ल्स हमको है ना डायरेक्ट थिएटर ही ज्वाइन करने वाली है। देखो गाइस 2:15 का शो है और अभी 2 बज रहे हैं, हमेशा हमको है ना लेट ही होता है जाने के लिए कभी भी कोई भी मूवी को। तो हम लोग थिएटर पहुंच गए, मैं जल्दी से है ना मास्क और कैप पहन लेती हूँ, ठीक है डन, चलो अभी बाहर चलते हैं। ओह माय गॉड, देखो मैं किन से मिल रही हूँ। हाय मासियो। हाय, कैसे हो तुम दोनों? सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है, आप देख लो बस। मूवी है ना स्टार्ट हो गई है, चलो हम लोग अंदर चल रहे। फिर देखना मैं कैसे आपको प्यार करता हूँ, बस सीखना, क्योंकि उसके अगले जन्म में वापस मैं बेटा और आप पापा। तो क्या करेगा वो लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट? किसने छेड़ा मेरी बहन को? ये बच्चा क्लास इंटरप्ट कर रहा है। तो यही रुक दीदी, राइंग का सीजन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है मैडम। तो अभी है ना इंटरवल हो गया और मुझे तो मूवी एकदम बढ़िया लगा, बहुत बेस्ट मूवी है। तुम दोनों को? बहुत सही है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, रणवीर कपूर तो हो। मेरा दिल आ गया, रणवीर कपूर दिल आ गया उसका। हाँ दिल आ गया मासी का रणवीर कपूर पे। बाबा क्या बात है, मम्मी आपको कैसी लगी बेटा हमसे पूछ रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभी घर पर चलते और रूफ टॉप पार्टी की तैयारी करते, आज रूफ टॉप पार्टी भी तो होने वाली है। तो गाइस रूफ टॉप पार्टी में हम लोग धमाल मचाने वाले, हम डांस करेंगे, फिर सिंगिंग करेंगे, फिर उसके बाद में सबसे स्पेशल हम लोग गेम्स भी खेलेंगे और बारबेक्यू भी करने वाले हैं। तो बारबेक्यू में एक तो हम पनीर टिक्का बनाएंगे, बहुत मजा आता है यार, मस्त ऊपर टेरेस पे खुली हवा में बारबेक्यू करेंगे, कितना एक्साइटिंग है। आप सब लोग एक्साइटेड हो? तो अभी है ना थोड़ी ही देर में मेरी सारी मासी आने वाली है और फिर हम लोग सारी गर्ल्स मिलके एंजॉय करेंगे, खूब सारे मजे करेंगे। तो अभी है ना शाम हो गई है और मामा को मुझे भेजना है सारा सामान लाने के लिए। मामा एक बार मामा को रिवाइंड करा देती हूँ कि क्या क्या चीजें लेके आनी है, क्योंकि कोई भी चीज है ना मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ मामा मैं ये बोल रही थी कि पनीर लेके आना है, पापड़ लेके आना है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आनी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोयला लेके आना है, और तुम दोनों भी हमारी पार्टी में आ सकते हो, पापा भी आने ही वाले हैं। देखो देखो हमारे घर कौन आया, सोनू मासी आई। हाय, चलो अभी तैयारी करनी है हमको पार्टी की, हम टेरेस पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लेके जाना है मम्मी ऊपर? देखो ये चटाई में ऊपर लेके जा रही हूँ और एक 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 सामान जो है वो लेके जाऊंगी ऊपर। मामा अभी तक आया नहीं है, मैंने जो मामा को बोला ना सारी चीजें लाने के लिए। वाओ कितना सही लग रहा है टेरेस से आने के बाद, एकदम मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और उधर से व्यू देखो कितना सही है। रूफटॉप पार्टी में आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हो, बट आप ही बना के खिलाओगे। मैं जो बनाऊंगा वो खाना पड़ेगा, मैं जो बनाऊंगा वो खाना पड़ेगा। क्या बनाओगे पहले बताओ आप सबको और मुझे भी। तंगड़ी कबाब।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं नहीं खा रही। मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और सारी गर्ल्स के लिए पनीर मंगाया हुआ है। पनीर बना के दो हमको। है पनीर? है क्या? है तंगड़ी कबाब खाएंगे। नहीं मैं नहीं खा रही। अरे सिर्फ छिलका छिलका खाना, वेज। वेज छिलका कैसे होता है मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है, बनाएंगे जो पापा वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। हाँ। देखो अभी फिर से कौन आया, तेजू मासी आ गई है। हाय हाय, ऐसे हाय। हाय तेजू मासी भी आ गई है। मासी आप एक्साइटेड हो आज की पार्टी के लिए? मेरे को तो एक्साइटेड से ज्यादा भूख लग गई। लगाई था, छोड़ो फिर, अभी खाने ही वाले ऊपर हम। पापा बना के खिलाएंगे। पापा, पापा जब बनाएंगे तब हम खाएंगे। कब बनाने वाले हो आप? अभी भूख लगेगा। मैं अभी ऊपर, अभी चलो ऊपर तुम। हाँ हाँ हाँ। देखो मामा सारी चीजें लेके आ गया जो मैंने मामा को बोली थी ला दो। ये रहा पनीर और ये क्या है? क्या ये पापा ने क्या मांगा? एक सेकेंड, क्या मांगा आपने? अरे वो क्या बोलते हैं अपना, ला ऊपर ही देखना अभी, चलो कोयले है रे उसमें। हाँ कोयले तो उसमें ना, पापा कुछ तो भी छुपा रहे हमसे, देखते ऊपर जाने के बाद में पापा को और मामा को भी। मामा भी शामिल है इसमें। देखो हमारा पार्टी स्पीकर भी आ गया। So, अभी है ना सबसे पहले हम पनीर मैरिनेट करते हैं क्योंकि पनीर टिक्का बनाना है ना। मैरिनेट कर रही हूँ, मैंने है ना टमाटर और प्याज ले लिया, उसको कट कर दिया है। अभी मेरे को है ना पनीर धो के इसमें कट करके डालना है, फिर उसके बाद में दही डालना है, नमक, हल्दी, मिर्ची, कसूरी मेथी जितना भी सब डालते हैं वो सब मिक्स करना है। मेनू में अभी जब वो खुलेगा मेनू तब तुम देखेंगे। एक मेनू तो है वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर। हाँ, क्या है मेनू? है मैं को नहीं दिख रहा है, बताओ ना क्या है। नहीं समझ आ रहा, आपको भी मैं बताती हूँ क्या बना रहे हैं पापा। तो ये रहा काव्या ने बनाया वाला मैरिनेट किया वाला पनीर, तो इसको अपन पनीर कबाब बनाएंगे। यस। और असली चीज इधर है। क्या है इसमें, दिखा दो हमको क्या है। हम कब से जानना चाहते हैं इसमें है क्या। अंगार भी नहीं उसके अंदर। मामा मामा भी वो नकली कोयले के जैसे नकली है बाबा। पापा पनीर के अलावा और क्या है बता दो अभी। पनीर के अलावा ये है, ये अब इसको कोयले पे डालेंगे, इसको भूंजेंगे। अरे तो तुम पनीर खाओ, ये मामा के लिए, मैं भी नहीं खा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। अरे ये मेरा आइडिया नहीं था, ये ना मामा को खाने का है और मामा ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि जीजा जी प्लीज आ जाना मेरे को चिकन खाने का है। तो मैं बोला चल ठीक है, आज अगर तेरे को खाने का है तो मैं खिला दूंगा। कैसे किसी की इच्छा नहीं मारनी चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है। वाह पापा वाह, कितने धन्य हो आप। हाँ बस रहने दो, आपको खाना ही है, हम सबको पता है। देखो अभी तक कोयला जला ही नहीं है तो कैसे बारबेक्यू होगा और कब से ऐसे। अरे इंजीनियर लोगों का बारबेक्यू बहुत अलग रहता। ये देखो ये पापा ने हेयर ड्रायर मंगाया है। चलो पहले दिखाओ कैसे होगा। अभी इंजीनियर के पास में हर चीज का इलाज रहता। अरे वो कांदे टमाटर भी तो लगाओ, मैंने इतने बड़े बड़े इसीलिए तो काटे। अच्छा ठीक है। हाँ चलो शेफ पापा भी बना रहे पनीर।
की नहीं रोटी? अरे बन गई ना, ये देख, दिखाओ, ये तो एकदम तंदूरी रोटी के जैसे बन गई है। फिर वाह क्या बात है। हाँ, पनीर लाओ इधर, पनीर। यस पनीर भी बन गया। पनीर रोल बना के दे रहे हो हमको? अरे फिर ले। ये लो रोटी लो। हाँ। हाँ। गरम है। ये लीजिए कि ठंडी है। लाओ मेरे को खिलाओ ना, आप खिलाओ। हाँ। ये लो। देखो कैसे कैसे बनी रोटी, तंदूर की रोटी, वो भी घी वाली बिना मैदे की। मम्मी अभी है ना टोमेटो केचप ला रही है, तब तक ये खाओ। हाँ तेरा नाम हाथों पे लिख दिया, तो कुछ सोच के फिर छुपा दिया। यूं झुका के पलकों को नाज से, बड़े कातिलाना लिहाज से, बेखुदी का रास्ता दिखा दिया।